लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू हुई और सब लोग पैनिक हो गए, यानी परेशान हो गए। उस टाइम में मैंने कहूँगा कि भाई एमएससीबी के लोग जाके मीटर की वो स्थिति में रीडिंग करें, लेकिन उन्होंने बिल देते टाइम में पिछले महीनों का अनुभव लेते हुए हर महीने का बिल यूनिट का दिया होता तो बिल का रेट जो बिजली का है वो कम रहता था। उन्होंने 50 यूनिट छोड़ दिए, 300 हो गए, यानी आपको मालूम है कि भी कम यूनिट हो गए तो रेट कम है, ज़्यादा यूनिट हो गए तो रेट ज़्यादा है। उस हिसाब से जिनको 5,000 रुपये बिल आता था वो लोगों को 20,000 रुपये बिल आ गया। जुलाई महीने में हम लोगों ने यही जगह पे आके, मतलब ऑफिस में आके उनको हमारा निषेध व्यक्त किया था और उनको कहा था मैंने और हमारे साथी लोगों ने कि भाई आप जाके अपने राज्यकर्ताओं से भी बोलो या अधिकारियों से बोलो कि भाई ये गलत ढंग से आप लोगों ने लोगों पर जुल्म करने वाला बिल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको दुरुस्त करो। यानी पहले 100 यूनिट के हिसाब से लोगों को अलग अलग बिल दिया करो तो ऑटोमेटिकली 20,000 का बिल 5,000 रुपये आता था। ये स्थिति में बाद में राज्य शासन की ओर से अनाउंसमेंट हो गई कि इसमें से कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। खास कर तौर पर ऊर्जा मंत्री नितिन जी राउत ने कहा कि हम लोग इस पर सोच रहे हैं, फिनांस डिपार्टमेंट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, रास्ता निकल जाएगा। लोग उम्मीद लेकर बैठे थे, हम लोग भी सोच रहे थे चलो भाई राज्य शासन, राज्य चलाना तो कुछ न कुछ टैक्स न आए तो राज्य कैसा चलेगा। लेकिन दिवाली के पहले कुछ खबर अच्छी मिलने के बजाय विज मंत्री नितिन जी रावत ने कहा कि भाई राज्य शासन के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि पूरा की पूरा बिल वसूल किया जाएगा। अभी बात ऐसी कि वो यूनिट के हिसाब से बिल देने के बदले यूनिट का स्लैब टूट के बढ़कर बिल आया और उसमें फिर से उन्होंने रेट में बढ़ोतरी की, तो जो डूब रहा है उस पर और पत्थर डालने का काम ये राज्य शासन ने किया। और इसलिए मैंने तो लास्ट टाइम में भी कहा था कि जब परिस्थिति खराब आती तो राजा ने अपना जो खजीना होता है वो बाहर निकाल के लोगों को जिंदा रखने की ज़रूरत है। मैं बोलूँगा कि राज्यकर्ताओं ने, ये महाराष्ट्र शासन ने वीज वितरण कंपनी को कर्जा लेके देना चाहिए, कर्जा लेने के लिए परमिशन देनी चाहिए, जिम्मेदारी यानी गारंटी लेनी चाहिए और ये जो गलत ढंग से बिल पेश किए हैं वो उसमें सुधार करना चाहिए। और लोगों के जेब में आज खाने के लिए पैसा नहीं तो उनको किस्तों में पेमेंट करने की परमिशन देनी चाहिए, दिए हैं लेकिन कितनी पूरी की पूरी जो उन्होंने जुल्म से बिल लगाए उसके किस्तों में पेमेंट करने की परमिशन दी है वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा कहना है कि महावितरण कंपनी को कर्जा निकाल के उन्होंने गलत ढंग से बिल पेश किए उसको सुधार करे, जो बिल के रेट बढ़ाए उसको कम करे और आगे आगे लोगों की जो असुविधा हो रही है उसमें लोगों को मदद करे। बिजली का क्यों कभी कभी पानी का भी धक्का लगता है, कभी हवा का भी झटका लगता है, तो इनको बहुत झटके लगने की संभावना है, देखते रहिए। प्रकाश अम्बेडकर जी ने कहा है कि एमईआरसी ने और बिजली विभाग ने 50% कटौती के लिए ऑलरेडी प्रोनोट भी तैयार कर दिया था लेकिन सरकार के किसी मंत्री ने उसको रुकवा दिया। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे को और इस सरकार को राज्य में शासन में रहने का अधिकार नहीं है। क्या आपकी मांग ऐसी नहीं है कि जो जनता के हित के लिए काम न कर सके ऐसी सरकार को रहने का क्या अधिकार? नहीं, मेरा तो ये कहना है यदि किसी को रास्ता ढूंढने में नाकामी भी आ रही होगी तो उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी और किसको देनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जनता ने तुम्हें तो आदेश नहीं दिया था, गलत ढंग से ये सरकार जमी हुई है इसलिए तीन तिगाड़ और काम बिगाड़ा हो रहा है। इसमें जनता का दुख बढ़ रहा है, जनता की चिंता बढ़ रही है। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, ऐसा एक वक्त आने वाला है
कि परेशान होकर खुद ही खुद वो कुर्सी खाली करके निकलने वाले या निकलने की नौबत आने वाली। और मैं तो हमेशा एक कहूँगा कि जैसे कि आम नेचुरली पकना चाहिए, उसको केमिकल डाल के आम को पका के थोड़ा पिला बना के खाने में कोई मज़ा नहीं है, उसी ढंग से राज्यकर्ताओं ने, भले कौन से भी पार्टी का हो, जो भी राज्य करोगे वो नेचुरली राज्य तुम्हारे हाथ में आना चाहिए, वरना उसमें कोई मज़ा नहीं रहती, इन्हें रात की नींद खराब हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि भाई यदि यदि आप लोगों को नहीं जमता है तो बाजू हट जाओ, दूसरे कोई आके पर्याय उसमें दे दे देंगे। बिजली का क्यों, कभी कभी पानी का भी धक्का लगता है, कभी हवा का भी झटका लगता है, तो इनको बहुत झटके लगने की संभावना है, देखते रहिए। ऊर्जा मंत्री के मन में है, लेकिन पूरे कैबिनेट में कई लोग ऐसे है कि जो ऊर्जा मंत्री को, जो उसके मन को जो कुछ भी इच्छा है उसकी, उसकी पूरी करने के लिए सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। नितिन जी राउत, जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था तो मेरे खाता में वो राज्य मंत्री थे, ही इज़ वेरी गुड मैन, पर्सनली अच्छा आदमी है, मन भी उसका था ठीक है, लेकिन अकेला आदमी सोचे, वो पूरे कैबिनेट ने सपोर्ट नहीं दिया तो अकेले आदमी का क्या उसमें कुछ महत्व नहीं होता। बोले सफल होने के लिए हम रास्ते पर उतरे, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरे राज्य स्तर पर ये निदर्शन का ही आज दिन है। नई मुंबई में 12 जगह पे ये निदर्शन हो रहे हैं। आज के इस आपके माध्यम से मैं जनता को भी आश्वस्त करता हूँ कि यदि कोई MSEB के लोग आपके या इलेक्ट्रिक का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने को आ गए तो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, हम लोग जनता के साथ में रहने वाले, भले उसके लिए जेल भी जाना पड़े हमें उसकी परवाह नहीं है, जनता के दुख के लिए हम लोग हमेशा उनके साथ रहने। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।